हाय दोस्तों, हमारे थ्री एपिस टेक्निकल में आपका स्वागत है। और मैं सुभाष और हमारे भैया प्रभात और हैप्पी भैया, ये हमारे इन्वर्टर में मैन की कमी आई है। अब इसमें भैया हमारे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, बहुत बढ़िया इन्वर्टर है, फर्स्ट क्लास चलता है, मगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हमारा कुछ भी ऑन नहीं कर रहा है, इसके तार ये काले और लाल गर्म पड़ रहे हैं। इसे हम फिर से लगा के देखेंगे अपने बोर्ड पे कि तार वास्तव में गर्म पड़ रहे हैं या वो बता रहा था। तो हम इसे अपना चेक करेंगे इसे बोर्ड पे। ये हमारा काला है, ये माइनस का है, ये हमारा प्लस का है। तो ये दोस्तों हमारे दोनों तार ये गर्म पड़ रहे हैं, बिल्कुल गर्म पड़ रहे हैं, जैसे ही हम बैटरी के तार लगा रहे हैं। तो ये देखेंगे हम, ये हमारा एम्पियर ले रहा है, ये देखो, ये हमारा एम्पियर ले रहा है, यानी यहाँ से धुआं निकल रहा है चार दोनों तरफ से। तो ये हमारे मॉस्फेट यहाँ से चले गए हैं, यहाँ पे देखो ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये हमारे मॉस्फेट यहाँ पे उड़ चुके हैं इधर के दोनों को, इस साइड भी हमारे मॉस्फेट खराब हैं, ये देखो दोनों ये, और इधर के भी खराब हो गए हैं। तभी हमारे तार गर्म पड़ रहे थे, काले और ये लाल दोनों तार गर्म पड़ रहे थे। तो अब इसे हम बाहर निकाल के और चेक करेंगे मॉस्फेट खराब हुआ है कि नहीं हुआ है, दोनों खराब हुए एक ही खराब हुआ है। ये हमारा धुआं निकल रहा है, अब इसे हम खोलेंगे फिर से। ज्यादातर ये मॉस्फेट उड़ने का बैटरी से फॉल्ट होता है, जब ये बैटरी खराब हो या ज्यादा लाइट आई हो या चार्जिंग वगैरह ज्यादा हुई हो तो ये मॉस्फेट हमारे खराब होते हैं। वैसे सही चल देंगे ये, जब बैटरी ज्यादा डीप हो जाएगी तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये हमने किट अभी निकाल ली है, बाहर इधर रख ली है। तो ये देखो हमारे तीनों मॉस्फेट खराब हो गए हैं, इधर के भी हमारे खराब हैं दोनों, यानी सभी खराब हैं हमारे मॉस्फेट। इसमें हम दूसरे मॉस्फेट डालेंगे फिर से। तो अब ये दोस्तों अभी हम ये करेंगे, दूसरे मॉस्फेट निकाल के दूसरे इस पर डालेंगे। ये हमने अब ये मॉस्फेट निकालेंगे बाहर। ये मॉस्फेट निकाल लिया हमने, ये देखो बिल्कुल फटा हुआ है। ये हमारी देखो 22 ओम भी पड़ी हुई है इस पे मॉस्फेट पे, तो हम ये भी बदलेंगे। ये हमारी तीन 22 ओम पड़ी हैं, ये वाली 1 2 3, ये तीनों हमारी खराब है, देखो बिल्कुल काला हो रहा है इस पे।
अब ये हम चेक करेंगे कि सही हैं खराब हैं। फिलहाल ये अभी खराब ही हैं, आपको हम जब डालेंगे तो चेक करके बताएंगे, अभी ये सही हैं। ये भी देखो, ये हमने अभी डाली थी पहले तो ये अभी सही हैं। फिलहाल हम इसे भी बदल लेंगे, ये वीक हो गई हैं, जब मॉइस्चर टूटेगा तो ये भी वीक होंगी दोनों, तो हम ये भी बदल लेंगे। ये हमारी 2200 है, यहाँ पे लगी होती मॉइस्चर की जगह पे, इस टांग पे, ये वाले टांग पे हमारे ये लगी होती हैं, ये नहीं लगाओगी तो मॉइस्चर रुकेगा नहीं। दोस्तों देखा आपने कि हमने अभी निकाल दिए मॉस्फेट वगैरह दोनों तरफ से, तो हमने 2200 निकाली, ये 2200 है, जब मॉस्फेट उड़ेगा तो 2200 जरूरी है बदल दी जाएंगी, बदल देना हमेशा ही। ये क्यों ख़राब होती हैं, जब भी मॉस्फेट जाता है तो ये ख़राब होती हैं, ये हमारी 2200 है, ये हम यहाँ पे दोनों ये निकाली हमने और इसी की जगह पे 2200 लगाएंगे। इसे बिना बदले अगर आपने बाई चांस चला दिया तो फिर से मॉस्फेट उड़ जाएगा, अगर ये ना बदली हो तो, और अगर बदल दी हो तो फिलहाल इसे बदल दिया करें जब भी मॉस्फेट उड़ा करें तो। ये हमने देखो दोनों 2200 डाल दिए हैं, अब इसकी जगह पे हम फिर से मॉस्फेट लगाएंगे। ये हमारी खराब हो गई थी दोनों 2200, और इधर की भी हमने बदल दी हैं, ये देखो दोनों पड़ी हैं हमारी, ये की ये दोनों 2200 बदल दी हैं हमने, नई डाल दी हैं इसकी जगह पे। ये हमारे मॉस्फेट हैं चारों, तो हम इसे दें, ये हमारे 7582 मॉस्फेट है, ये नया टैंक का है, लंबे फ्लैश टैंक का है, इसे हम देखेंगे और इसे इसी की जगह पे लगाएंगे हम अपने मॉस्फेट को। इसकी जगह पे हम 3205 भी डाल सकते हैं, P55 इसकी जगह पे नहीं चलेगा। इसकी जगह माइक्रोटेक में ज़्यादातर दो टैंक के मॉस्फेट, दो मॉस्फेट पड़े हों तो 3205 या PSC या 7582 डाल सकते हैं। P55 या JX44 हमारा माइक्रोटेक की किसी भी किट में नहीं पड़ेगा। अगर इसकी जगह पे 5 पड़ा होता, 5 मॉस्फेट यहाँ पे पड़े होते हमारे, यहाँ पे इसमें 3 दिया है, अगर 5 पड़े होते हमारे पास दूसरी किट है, उसमें हम आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों देखो, ये हमारे इसमें 5 पड़े, ये माइक्रोटेक का प्रोनो वाला मॉडल है, ये देखो इसमें 5 पड़े, इसमें P55 और JX44 दोनों चल जाएंगे, 3205 भी चल जाएगा, मगर इसमें 3205 या PSC या 7582 तीन ही मॉस्फेट चलेगा और किसी का मॉस्फेट नहीं चलेगा। चलेगा मगर वो ज़्यादातर लोड पे फट जाएगा, फिर से हमारी सेम प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी जो थी वही, तो अब इसे हम लगाएंगे। तो दोस्तों हमने ये दोनों तरफ के मॉस्फेट डाल दिए हैं, दो दो, ठीक है। तो अब इसे हम ड्राइव चेक करेंगे, इसकी बैटरी के तार लगाएंगे दोनों तार, ये हमारे लगे हुए हैं पहले से, अभी ये किट का लगाएंगे हम, ये हमारा पॉजिटिव है, ये वाला, ये यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा होता है पॉजिटिव लाल तार प्लस वाला, ये निगेट, ये हमारा माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसे हम अब चेक करेंगे इसकी ड्राइव। तो ड्राइव हमारी इस मीटर में दिखाएगा, इस पर ड्राइव जब आएगी तो ये हमने ये MCV DC उठाई अपनी, यहाँ पे देखे दोस्तों 13 वोल्ट हैं यहाँ पे। तो अब इसे हम पहले तो कहाँ पे चेक करेंगे, IC, ये हमारी बड़ी IC लगी है, ये वाली बड़ी IC हमारी लगी है, इस पे हम चेक करेंगे पहली ऊपर से पहली पिन पे,
यहाँ पे 1.5 वोल्ट, ये हमारे ड्राइव के वोल्टेज हैं। और इससे दूसरी ये वाली 1.5, दोनों तरफ बराबर निकल रही है हमारी ड्राइव। तो ये आईसी से ऊपर वाली, ये इस वाले पॉइंट से पहले और दूसरे पॉइंट से हमारी ड्राइव निकलती है। अगर ये नहीं निकलेगी आईसी से तो हमारी आईसी ख़राब है। ये दोनों पॉइंट से निकलती है, ये मीटर में दिखा रहा है। तो अब इसे हम फिर से आगे ऊपर चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर ये हमारे चार लगे हैं, 47 ये ड्राइव पे पड़े होते हैं, ये दो इधर के पड़े होते हैं, दो इधर के पड़े होते हैं। तो ये हमारे चेक करेंगे अब हम ये। तो ये इधर देखो दोस्तों, ये हमारे 3.2 वोल्ट आ रही है यहाँ पे ड्राइव, यानी ट्रांजिस्टर हमारा निकाल रहा है। ये 5 वोल्ट, ये बीच में निगेटिव है, ये हमारे यहाँ पे भी निगेटिव है। तो ये ऊपर वाला ट्रांजिस्टर 3 वोल्ट निकालेगा, 3.7, और दूसरा ये भी 3.6 हमारा निकाल रहा है, यानी दोनों तरफ से ट्रांजिस्टर निकाल रहे हैं हमारे। अब इसे हम मॉसफेट पे चेक करेंगे, यहाँ पे मॉसफेट लगाए जो अभी हमने वो चेक करेंगे। सबसे पहले तो 22 ओम पे चेक करेंगे कि 22 ओम पे आ रही है नहीं आ रही। तो इसे हम देखेंगे, ये 22 ओम यहाँ पे आ रही है, देखो दोस्तों ये हमारे मॉसफेट पे, ये 3.6, ये दूसरा मॉसफेट है 3.6। अब इधर से हम चेक करेंगे इस वाली हीट सिंक पे, 3.2, यानी ये इधर की बराबर होनी चाहिए ड्राइव दोनों तरफ की। इधर देखो दोस्तों 3.7 हमारी दोनों तरफ बराबर है ना। तो ये हमारी, ये इस पे हीट सिंक पे कोई वोल्ट नहीं आएगा, मिली वोल्ट में ऐसे मीटर दिखाएगा आपको। तो ये दोनों तरफ बराबर है। अब इधर हम फिर से चेक करेंगे 3.3 और 3.2, यानी दोनों तरफ हमारी बराबर है इसमें भी। तो इसे हम फिर से हीट सिंक पे लगाएंगे, तो ये मिलीवोल्ट फिर से दिखा रहा है। तो यानी हमारे दोनों तरफ ड्राइव चेक सही है। तो इसलिए हमने चेक करी ये हीट सिंक, अगर बिना ड्राइव चेक करे लगा देंगे तो ये हमारे मॉसफेट फिर से चले जाएंगे जब तक ड्राइव ओके नहीं होगी तब तक। तो हम इसे अब हीट सिंक लगाएंगे, सारे कनेक्शन करेंगे इन्वर्टर, फिर इन्वर्टर चेक करेंगे, इन्वर्टर चार्जिंग आ रही है या नहीं आ रही है, सब हम चेक करेंगे अब। ये फिर से दोबारा कनेक्शन करके इन्वर्टर के, तो हम ये MCU गिरा देंगे, अब कनेक्शन करेंगे फिर से। दोस्तों आप देखेंगे कि हमने पूरी प्लेट अपने इन्वर्टर में फिट कर दी है, सारे जैक लगा दिए हैं। तो अब इसे हम चेक करेंगे कि अब हमारी आउटपुट या चार्जिंग आ रही है अभी नहीं आ रही है। तो हम इसे MCU उठाएंगे अपनी, इधर बस बस तार पकड़ो बस। तो ये देखो हमने इसमें आउटपुट पीछे लगाई है अपनी, ये हमारी आउटपुट देखो इन्वर्टर चल रहा है। इसे ऑन ऑफ करेंगे, इसे ऑफ करेंगे, ये हमारा इन्वर्टर है। अब इसे हम मेन देंगे, जो यहाँ पे मेन ये इन्वर्टर का इंडिकेशन है LED है, ये मेन की जलेगी, ये चार्जिंग की। इधर ओवरलोड लो बैटरी और बैटरी उसकी ग्रेविटी की रहती है। तो इसे हम पहले सबसे पहले सीरीज में लगाएंगे। ये हमारी यहाँ पे देखो मेन आ गई है, यानी इन्वर्टर और चार्जिंग भी आ रही है अभी, यानी सीरीज में देखो, ये सीरीज में ऐसे ऐसे बल्ब करेगा, चार्जिंग आएगी फिर से जाएगी, आएगी फिर से जाएगी, ये वाला। यानी देखो दोस्तों अब हमारी यहाँ पे चार्जिंग आ रही है, ये हमारा मेन का LED है, ये चार्जिंग की LED। तो हमारी वीडियो अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।